ये वीडियो बना रहा है, वीडियो बना रहा है, अब मैं बना रहा हूं क्या करें। तो अभी हम जा रहे हैं रिसॉर्ट ब्राह्मणा पे, स्विमिंग पूल साइड, सीधा व्यू, वंडरफुल व्यू। दिस ओ छवू, तुमने कौन सी कैप लगाई है? ये मंकी वाली कैप लगाई तुमने? अच्छा, तो अभी हम पहुंच चुके हैं स्विमिंग पूल एंड कॉन्फ्रेंस हॉल। ओ देयर इट इज, फॉरेस्ट में स्विमिंग पूल, सी द व्यू, क्लाउड्स। पानी बहुत ठंडा है, कूद मत जाना एक्साइटमेंट में, पता चला जंप कर लिया तुम लोगों ने। हाँ, ओ वाह, ऊपर का व्यू बहुत अच्छा आ रहा, वाह। कहाँ जाना है? झूला झूला जा रही हो? अच्छा, बेबी कहाँ जा रहा है? बेबी झूला झूला जाना, अरे आराम से गिर जाएगा, अरे गिर जाएगा, स्लो 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 बेबी गिर जाएगा। अरे इधर फोटो भी अच्छी आएंगी, अरे इधर बहुत अच्छी फोटो आएंगी। अरे रुको रुको, गीला है अभी, अभी बेबी गीला है अभी नहीं। क्या व्यू है बॉस, गाइस सी द व्यू, माउंटेन्स है, नीचे कोई गांव भी है जहां पे खेती भी हो रही है। वाओ, ओह व्यू, वर्थ इट, बहुत ही सुंदर है, इट्स अल्टीमेट। हाँ, दैट इज रिवर। गाइस अभी हम लोग हैं मेन फ्रंट रिसेप्शन एरिया में, यहाँ के सामने का व्यू आपको दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा है, यू विल लाइक इट। ये हमारी हरियर खड़ी हुई है, दो दो टाटा की गाड़ियाँ, हम इन्हीं से आए ना। ये हमारी हरियर है, इसकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है अभी। आपको इवनिंग व्यू दिखाया था, बट मॉर्निंग व्यू आपको दिखाते हैं कि मॉर्निंग व्यू कैसा है। तो ये मॉर्निंग व्यू है, आपको एकदम क्लियर दिखेगा यहाँ पे, ये नीचे थोड़े से गांव है एंड पीछे रिवर है, एंड आई थिंक ये जिम कॉर्बेट का भी पीछे वाला एरिया है शायद, जंगल का तो यहाँ पे है, एंड व्यू देखेंगे अभी थोड़ा सा क्लाउडी। सो गाइज, ये रिसॉर्ट अगर आप फैमिली के साथ प्लानिंग कर रहे हो तो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट रिसॉर्ट, जहाँ पे आप रुक सकते हो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ एंड इन्जॉय कर सकते हो। थीम इज़, जैसा कि आप देखोगे, पूरा का पूरा फॉरेस्ट का थीम है, तो आपको ऐसा लगेगा कि यू आर स्टेइंग इन जंगल, एंड प्रॉपर्टी इज़ वेरी गुड, सर्विसेज इज़ वेरी गुड, एंड
जो रूम्स है वो काफी नीट एंड क्लीन है, तो अगर आप फुल फैमिली के साथ आ रहे हो तो एक विला भी ले सकते हो, अदरवाइज यू आर कमिंग एज अ कपल और फ्रेंड के साथ तो यहाँ पे सेपरेट छोटे छोटे रूम्स भी हैं जो कि आप एकोमोडेट कर सकते हो। एंड क्वालिटी इज वेरी गुड, फूड इज ऑल्सो वेरी नाइस, जो सुबह का ब्रेकफास्ट है, डिनर है, एवरीथिंग इज वेरी नाइस। तो अभी आपको दिखाते हैं अंदर से कि कहाँ पे कैसे विलाज है। तो काफ़ी दूर दूर है तो प्राइवेसी भी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी, तो ऐसा नहीं है कि मतलब प्राइवेसी में कोई प्रॉब्लम आएगा, सो प्राइवेसी भी। सो ये गाइज एक जैसे कि सेपरेट मैं आपको बता रहा था, ये टू रूम सेट है जहाँ पे आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ रह सकते हो एंड प्राइवेसी फुल है, क्योंकि आप सामने देखोगे तो दूसरा जो रूम्स है वो काफ़ी दूर है, तो प्राइवेसी पूरी है, आप वॉन फायर कर सकते हो, रात में पार्टी कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। एंड पूरा थीम आप देखोगे ना, पूरा आपको ऐसा लगेगा कि यू आर स्टेइंग इन अ जंगल। एंड बाकी व्यू मैंने आपको दिखाया ही है कि व्यू कितना अच्छा है, बाहर पे आप सिटिंग बैठ के एंड पार्टी कर सकते हो, आप कर सकते हो कि आराम से आप 5 रूम्स ले सकते हो, इस पर कर सकते हो, हॉल है जहाँ पे कि आप पार्टी कर सकते हो। एंड रात में आप यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे जो कि अभी हम लोगों ने आज प्लानिंग किया हुआ है कि हम लोग बॉन फायर करेंगे एंड रात में एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे आज हम लोग रात में बॉन फायर करने वाले हैं और एंजॉय करने वाले हैं, पार्टी करने वाले हैं। तो ये विला का पूरा व्यू है, तो आप बाहर बैठ के बॉन फायर कर सकते हो एंड पार्टी कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। दिस इज टोटली सेपरेट, मतलब फुल प्राइवेसी है, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है, यहाँ पे आप बैठ के एंड फुल अपना पार्टी एंड फुल एंजॉय कर सकते हो। हाय गाइस, अभी आपको दिखाते हैं हेलीपैड एरिया, ये है हेलीपैड एरिया, जब उतरता भी है कि नहीं उतरता है बट बना रखा है। ये यहाँ का व्यू है हेलीपैड एरिया का, ये बीच में हेलीपैड एरिया है एंड ये व्यू है। गाइस ये यहाँ पे एक्टिविटी एरिया है, तो एक्टिविटी एरिया आपको दिखाते हैं, ये एक एक्टिविटी एरिया है जहाँ पे आप एक्टिविटी कर सकते हो, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, किड्स यहाँ पे पूरे एंगेज रहते हैं क्योंकि टीवी है नहीं रूम में, तो इट्स गुड। तो आप बच्चों के साथ आ रहे हो तो बच्चों का यहाँ पे फुल एंजॉय हो जाएगा, बहुत अच्छी अच्छी आ गई एंड यहाँ पे थोड़े बच्चे बड़े बच्चे हैं अगर तो उनके लिए भी एक्टिविटीज हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हो सारी एक्टिविटीज जो भी यहाँ पे है। मैंने अपने सो ये यहाँ पे रोप क्लाइंबिंग है एंड एवरीथिंग है, सो बच्चे जितने भी बड़े एडल्ट बच्चे हैं ना वो यहाँ पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं एंड पूरा उनका दिन। अभी तो बारिश हो रही है, नॉर्मल सीजन में इट्स वेरी गुड, और पूरा सेफ्टी के साथ है यहाँ पे, आपको लोग आएंगे एंड पूरा सेफ्टी देंगे एंड एवरीथिंग, सो दैट कि कोई ऐसा नहीं है, रिस्क नहीं है, तो दे विल एंजॉय गुड टाइम। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक्टिविटी के लिए और अभी सेफ्टी के लिए बांधा जा रहा है, भैया फिक्र तो नहीं है, वजन ज्यादा है, झेल लेंगे ना वजन। बच्चों को अपने सार ले जाना है, ये बड़ी खतरनाक है, छोटी हाइट में भी गिरने पे ना बहुत, अगर एंगल गलत नहीं और रस्सी नहीं टूटेगी तो इससे गिरेगा नहीं, नहीं हाँ रेस होता है बीच में आके थोड़ा सा हिलो, देखो अब तो आलोक ऐसे ऐसे करो बस, अरे करो ना दोबारा, करो ना, ओ शिट, गए 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 गए, वापिस भी आना है, जाना नहीं है, वापिस भी आना है, नहीं वहां से उतरने का कोई प्रोविजन नहीं है, उतरने का ऑप्शन ही नहीं उधर। यार यू हैव टू कम बैक, देखो बच्चों की एक्टिविटी ना नीचे है, वापस आना आपको, वापस कैसे आओ, आई डोंट नो,
खतरों के खिलाड़ी कैसे करोगे? आपने वीडियो बना लिया ना, अब इसको खतरों के खिलाड़ी हो रहा है ये तो। प्रिया जी थोड़ी दूर से लो, दूर से इसकी इसकी है ना थोड़ी डेप्थ भी पता चलनी चाहिए। उधर जहाँ आलो अवताज है ना वहाँ से लो, थोड़ा पता चलेगा कि कितने हाइट पे है। हाँ राइट, बैलेंसिंग बहुत चाहिए भाई। एक काम करो इसकी फोटो ले लो बस। Come on, go, go. जाओ ना। अरे ये सबसे इजी है, दूसरा कैमरा रखा है इनकी, खींचना तो खींचते रहना। जाओ। अरे प्रिया जी डरने की जरूरत नहीं, गिर भी गए ना लटक जाओगे, डरना क्या उसमें, नीचे नहीं आओगी। सबसे पहले पता है क्या सिखाया जाता है? गुड, सिखाया जाता है ताकि डर खुल जाए। दो तीन बार लटका दो कि कुछ नहीं होने वाला। चलो 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 चलो। एक पट्टी पड़ी है। अभी तो तुम्हें तीनों करने हैं। नहीं मैं सिर्फ दो करूंगी। अच्छा दो करोगी? टायर वाला नहीं, टायर वाला नहीं, वो नहीं कर रही वो। मैं तो इसमें, मुझे डर लग रहा है, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। इसमें देखिए कौन बैलेंस बना के बैठता है। किसमें? ये नीचे। पहले तुम ये कर। मैं खतरों के खिलाड़ी के लिए बनी नहीं हूं। तुम बनी हो खतरों के खिलाड़ी, करोगी तुम? ओह फाइनली रीच्ड, वापस आओ। हाँ कोई नहीं, अरे लटक जाओगी, गिरोगी नहीं, नीचे नहीं आओगी। अब मुड़ जाओ, वापस आओ। कम ऑन बेबी, कम ऑन, कम ऑन बेबी, कम ऑन। जीत गई तुम, बोले मैं जीत गई। अब नीचे है, ऊपर कहीं पे नीचे वाले लगाए हैं, फिर वही। हाँ फिर उससे बात करते हैं कि यार आग जलाने को जरूरत है। अब तो हाँ, अब तो मौसम सही है। हाँ अब तो चल सकती है। गड्डी उड़ी खेलना है क्या? गड्डी खेलना है बगैर हॉर्नेस के? गाइस ये है हमारे ओरियो बाबू, ये भी पहाड़ों का मजा लेते हुए बढ़िया एकदम एंजॉय करते हुए। ओरियो से हाय, से हाय। उनको कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट हो रखा है तो समझ नहीं आ रहा क्या। ही इज वेरी क्यूरियस, उसको सब जानना है कहाँ क्या है, सब सूंघ सूंघ के पता करना है क्या है। पत्ते हैं भैया, पत्ते हैं और कुछ नहीं है। What do you want? देखो तुम्हारा फ्रेंड है, तुम्हारा फ्रेंड। कम, कम। क्या नाम रखा था इसका? Hey guys, so अभी हम लोग जा रहे हैं back to home. रास्ता देख सकते हैं आप लोग कितना beautiful है, एकदम off roading, बिल्कुल off roading वाला रास्ता है। काफी अच्छी ट्रिप रही, जंगल में पूरा फॉरेस्ट है। गाइस ये आप बनवासा से आएंगे ना तो आपको रास्ते में ये वाटरफॉल मिलेगा, वेरी ब्यूटीफुल। वहाँ पे आप फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं। ऑन द रोड ही है तो कहीं आपको नीचे उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रोड के ऊपर ही है जहाँ पे कि आप झरने का मजा ले सकते हैं। नेचुरल ब्यूटी गाइस, सीन ऑफ ब्यूटी, वेरी ब्यूटीफुल। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं रिवर में, ये हमको एक रास्ता मिला है जो कि रिवर में जाता है, तो वी आर ट्राइंग की गाड़ी हमारी चली जाए। आप देख सकते हो कि हम लोगों की गाड़ी जा तो रही है ऑफ रोड।
गाड़ी को हम लोग उतार रहे हैं और जाने का ट्राई कर रहे हैं रिवर पे। अभी दिखाते हैं आपको रिवर आगे है यार, जल्दी रुक गए। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं रिवर साइड, बड़ी मेहनत करके दिखाते हैं आपको रिवर साइड का व्यू। बाद पूजा तो बोल रहा है रिवर साइड का व्यू मस्त व्यू है, बहुत बढ़िया। ये देखिए रिवर है, वाओ बड़ा अमेजिंग व्यू यार। सी दिस गाइस, व्हाट अ व्यू। पानी देखिए आप, पानी कितना साफ है, पानी की क्लियरिटी देखिए, अंदर तक सब कुछ दिख रहा है, तक क्लियर क्रिस्टल क्लियर। पहाड़ों की यही बात है, आपको पानी एकदम क्लियर मिलेगा। The view.